हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग मछली बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल में। तो मैंने मछली को अच्छे से धो लिए हैं और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। ये तो करीब करीब आधा स्पून हल्दी मैं डाल रही हूँ इसमें, और फिर मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा सा और डालूंगी। नमक डाल चुकी हूँ मैं, और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में तेल डाल के सरसों तेल लिया है, मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे मछली को। चलिए, तो अच्छे से मैंने हल्दी और नमक मिला लिया है, और आप लोग चाहे तो मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को भी थोड़ा सा खिलाने का कोशिश करूँगी, इसलिए मैं मिर्ची पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। फ्लेम मीडियम होना चाहिए। चलिए, फ्लेम हमने मीडियम रखा है और अच्छे से इसको डीप फ्राई कर लेंगे डीप ब्राउन होने तक। चलिए फ्रेंड्स, तो करीब करीब 10 मिनट हो चुका है और हमारा मछली जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो जो बाकी के बचे हुए मछली है, अब मैं वो एक एक करके डालूंगी इसमें। अच्छा, लिए ये जो दूसरी बार का मछली था वो भी अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। मैं अब इसको निकाल दूंगी। चलिए, तो अब मछली हम लोग का फ्राई हो चुका है और अब हम लोग इसको रस में भिगोएंगे। तो ये तेल हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, और एक तेज पत्ता मैंने टुकड़ा कर लिया है, और इसमें डाल के उसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और थोड़ा सा सरसों पीस लिया है। हमारा जो मछली है हम बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए, अच्छे से ब्राउन हो चुका है जीरा और तेजपत्ता, इधर अदरक लहसुन और सरसों थोड़ा सा मैंने पीस लिया है। बिहारी स्टाइल में मछली बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सरसों ज़रूर डालते हैं। तो अब मैं इसको ऑयल में डालूँगी, अच्छे से फ्राई करूँगी ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन, और इसका कच्चापन दूर होने तक। चलिए, तो लाइट ब्राउन हो चुका है
हल्का हमने फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन और सरसों, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसाले में है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा और डालेंगे। हल्दी पाउडर हो चुका है और ये मेरा है सब मिक्स मसाला, इसमें गरम मसाला भी मिक्स है और मसाले के साथ हींग भी ऐड किया है पिसवाते वक्त, तो ये 2 टेबलस्पून लूँगी मैं, और 1 स्पून स्वाद अनुसार नमक। और ये हम लोग डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ये भी मिक्स मसाला है, थोड़ा सा ये भी ऐड करूँगी मैं। सारे मसाले ऐड कर चुका है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे डार्क ब्राउन होने तक, और अच्छे से इसका कच्चापन दूर होने तक करीब करीब 15 से 20 मिनट तक फ्राई करेंगे और फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आधा करीब करीब आधा भूज लिया है हमने, और अब हम इसमें मैंने मिर्ची पाउडर ऐड नहीं किया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूँगी मैं अलग से। चलिए तो ये हमने ऐड कर लिया है और अच्छे से इसको मिलाएंगे। अच्छे से ब्राउन करने तक हम इसको भूनते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने चावल बना लिया है, मछली अभी हमारा रेडी हो रहा है, मसाला अभी और थोड़ा सा भूजेंगे। चलिए तो मसाले अभी हम भूज रहे हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर, मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें देखिए चिपकना छोड़ दिया है, कढ़ाई में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो चुका है और देखने में भी ब्राउन लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अच्छे से मसाला और पानी को मिक्स करेंगे धीरे धीरे चला के। पानी और मसाले मिक्स हो चुके हैं और हम गैस को फ्लेम बढ़ा देंगे। अच्छे से ये खोल जाने के बाद हम इसमें जो हमारा फ्राई किया हुआ मछली का पीस है वो ऐड करेंगे। चलिए बॉईल आने तक वेट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो ग्रेवी है अच्छे से उबलने लगा है, बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो बॉईल सॉरी डीप फ्राई किया हुआ मछली है। चलिए तो अब हम इसको ज़्यादा चलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा मछली जो है टूट जाएगा, क्योंकि ग्रेवी में डालने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए टूटने का चांस रहता है। तो हम इसको अब अच्छे से मिला के डुबा के और 2 मिनट के लिए ढक के उबाल आने तक वेट करेंगे, ताकि जो हमारा ग्रेवी है अच्छे से मछली में अब्सॉर्ब हो जाए। चलिए ये बॉईल हो रहा है, मैंने ढक दिया है ये तो। चलिए फ्रेंड्स, तो करीब करीब 2 मिनट हो चुका है, हम इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है, अच्छे से खोल रहा है ये,
और अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है मछली जो है ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर चुका है। तो अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद हो चुका है और हम इसको ढक के छोड़ देंगे। ग्रेवी गर्म है तो अच्छे से वो और अब्सॉर्ब होगा और सर्व करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा फिश बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये मैंने सर्व कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आप लोग भी चाहे तो बिहारी स्टाइल में बना के टेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।